शायद आप यकीन न करें, पर सच्चाई यही है कि तेजी से तरक्की करती इस दुनिया के साथ साथ एक और दुनिया भी मौजूद है, जुर्म की दुनिया, जहां बात बात पर बंदूक उठा लेना बहुत मामूली सी बात है। एक ऐसी दुनिया जिससे हमारा समाज खौफ खाता है, जहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, राजनेता जिसका लाभ उठाते हैं, और ईमानदारी जहां दम तोड़ देती है। दुर्भाग्य है, पर यही सच्चाई है। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले इस प्रदेश में सब कुछ बहुत ज्यादा है। अमीरी है तो बहुत है, गरीबी है तो बहुत है, शराफत है तो बहुत है, और बदमाशी है तो बहुत है। इस प्रदेश में दिन दहाड़े क्राइम हो जाना मामूली बात है। यहाँ पर बस एक ही रूल चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। राजनीति तो जैसे पैदा ही यहाँ से होती है। यहाँ के हर शहर की अपनी एक पहचान है। कारखानों का शहर, चमड़ा, जूता, पर्स, बर्तन, बच्चों के खिलौने और बड़ों के भी। किसी भी नौसिखिए, छुटबइये, डकैत, शार्पशूटर या हाईवे के लुटेरे के हाथ में पकड़े कट्टे को गौर से सुनो। यहाँ की ही किसी गली की महक आएगी। ऐसी ही एक गली है अमनगंज। दीवारों पे गुटके और पान के निशान और कहीं कहीं पे शाद की लकीरें या की तहजीब बयां करती है। घर में जितने बैठने के लिए कुर्सियां नहीं होती, उससे ज्यादा असलहे होते हैं। जिसके पास जितना ज्यादा कारतूस, उसकी उतनी ऊंची आवाज। 12 लाख का वोट बैंक, कोई पार्टी हाथ नहीं लगाना चाहती, सब खुश है, सबको लगता है सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक है। जब आदमी अपना सिस्टम खुद बना लेता है तो सबसे ज्यादा खुश रहता है। यहाँ भी कुछ फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियां जो माल नहीं क्रिमिनल पैदा करती हैं। अरे क्या हुआ बिटिया? बाबर मार रहा है। बाबर बोलेगी तो मार डालूंगा। अम्मा इसको समझाओ, मुझे बाबर ना कहा करे। अभी छोटी है ना, इसलिए राखो ना बोलती है। जवान कर दूंगा तेरी। हाँ हाँ, देखियो अम्मा कहने के बावजूद मुंह चिढ़ा रही है। खाना बनने में और कितनी देर है कम्मो? बस बन गया अम्मा। ए बल्ली, बबलू आ जाओ भाई। आया मम्मी। नहीं नहीं बेटा। आ बल्ली बैठ। जरा एक गिलास पानी दे दो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। ए छुटकी, आज तेरे अब्बा अम्मा की सालगिरह नहीं है, उनकी शादी की सालगिरह है। देख रही हो अम्मा क्या गलत सलत पढ़ाते हैं स्कूल में? कल से बंद कर दे इसका स्कूल। ए बिटिया, एक बोटी केक जरा हमको भी तो दो। अरे अम्मा, तुम सारा का सारा केक खा लो। जा छुटकी, अम्मा को देख के आ। बल्ली, आज तू कुछ नहीं बोल रहा, मुंह में दही जमा रखा है क्या? तो क्या करें, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता, इसलिए चुप रहना ही ठीक है। तू हमेशा बात ही ऐसी क्यों करता है? मैं जो देखता हूँ वही कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ, जब भी कोई कटखन्ना कुत्ता नजर आए, खुद का रास्ता बदल लेना चाहिए। कितने रास्ते बदलेंगे सरफराज भाई, हर गली में खड़े हैं ये साले। इनका तो एक ही इलाज है कि उठाओ डंडा और खोल दो खोपड़ी सालों की। कितनों को मारेगा तू? हाँ, एक को मारो बाकी अपने आप समझ जाएंगे, वरना आज दुकान जा रही है कल को घर से भी बाहर हो जाएंगे। तो क्या करें, हम भी उन्हीं में शामिल हो जाएं, कट्टा उठा लें, खून खराबा करें? करना ही पड़ेगा भाई, वरना जीना मुश्किल कर देंगे ये काले पहलवान जैसे लोग। तू क्या समझता है वो काले पहलवान अकेला है? पूरी की पूरी फौज है उसके साथ। तो क्या हुआ, हम लोग भी तो 6 भाई हैं। ये लो मिया। शुक्रिया। खुदा खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वाह वाह वाह, असलम कट्टा आए हैं। और असलम भाई, क्या बात है, बड़े जमाने के बाद दीदार हुए आपके। अपने कट्टे का रोजगार ही ऐसा सरफराज भाई, आना जाना लगा रहता है। अभी 10 दिन पहले आया हूँ। क्यों, कहीं बाहर गए थे? नहीं, अंदर। अबे ओ मेरे शेर, जा चाय लेकर आ जल्दी। और वो भी हमारे इलाके में, मेरे इलाके में। कुछ कुछ मसला है क्या सरफराज भाई? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कर दिया। इम्तियाज भाई आप बताइए। ये काले पहलवान बहुत दिनों से हमारी दुकान घेरने के फेर में लगे हुए हैं। ये तो कोई मसला ना हुआ, कहे तो मामला यही निपटा दे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, ये हमारा आपस का मामला, हम खुद ही से निपट लेंगे, आप बीच में मत पड़िए। दूर क्या रहा बे? नया है क्या? ए, ए, काले भाई, काले भाई, इन्हें कुछ मत कहिए, हमारे मेहमान है। कौन है बे तू? होता क्यों नहीं है? हाथ दूर रख, वरना क्या करेगा तू? ए, ए, काले भाई, काले भाई, काले भाई, काले भाई, काले भाई। इस तरह सीने में जलती आग की तपिश दिमाग तक पहुंची और शुरू हुआ सरफराज और इम्तियाज के जुर्म का सफर। ये हमारी चाल, 50 की चाल। अच्छा मामू, ये मर्डर हुआ कैसे? तुम भी बड़ा चालू हो दरोगा, पत्ते खेलने के बहाने हम इसे इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो? वाह वाह वाह। अरे नहीं मामू, हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, नॉलेज बढ़ा रहे हैं। आप ही इलाके से हो, हमको लगा आपको मालूम होगा। ये 200 की चाल आई। सब लाश का पंचनामा हो गया, सिख कबाब बना दिया काले पहलवान का। अरे मरने वाला मर गया, मारने वाला भाग गया, ससुरा हामिया मुंह से मछली निकाल रहे हैं। गर्मी बहुत है मामू, जांगिये का नाड़ा तक गीला हो गया ससुरा। अभी तो बहुत कुछ और गीला आने वाला तेरा। साहब ऐसे क्यों साहब आ रहे हैं? अरे माँ की आंगन, पैसे उठाओ मामू, बाद में देते हैं, अभी हमारी जेब में रहने दो। अबे सलाम अलैकुम। जय हिंद सर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ड्यूटी सर, हम मामू से पूछताछ कर रहे थे सर। इससे क्या पूछ रहे हो, जो खुद ही एक गुंडा है। अरे वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है साहब, आजकल तो हम समाज सेवक हैं। मर्डर किसका हुआ? कसाई का सर। किसने किया? कसाई ने सर। मर्डर इरादतन हुआ? आदतन हुआ सर। मतलब? ये तो गुंडों का इलाका है सर, यहाँ तो पत्ते खेलते खेलते मजाक में मर्डर हो जाता है। शट अप। हो गए सर। मुजरिम का घर किधर है? ए, घर कहाँ है? हाँ लेके चलते हैं साहब, आइए। जाइए सर। गए मछली पकड़ने। बाबर, तू जल्दी यहाँ से भाग। सरफराज भाई और इम्तियाज भाई बाहर गए।
क्या करने गए? पता नहीं। उसका आता पता भी तुम्हें पता नहीं होगा? नहीं। एकदम सही जा रहे हो, घुटे हुए हैं। जी सर। क्यों बे, हमको समझता है क्या? जितना मालूम था बता दिया, अब काहे को बेकार में दिमाग खराब करते हो? आवाज नीची और तेवर ढीला रख, तेरे आसार अच्छे नहीं लग रहे फरने का। एक सलाह देता हूं, पुलिस वालों की अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी हमेशा बच के रहना। अबे हाँ बोल। हाँ ये कौन है? ये छुटका भाई साहब, पता लगा मौका वारदात पे ये भी था। क्या नाम है तेरा बेटा? तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम है मृत्युंजय द्विवेदी। हमारा नाम बाबर है। स्कूल जाता है? नहीं। क्यों? हमारी मर्जी। बहादुर बच्चा है। हाँ जी साहब। शाबाश। अच्छा ये बता, आप आज तेरी दुकान में क्या हुआ था? मालूम नहीं। क्यों मालूम नहीं? हम खेल रहे थे, ध्यान नहीं दिया। क्रिमिनल बन गए और गने घर में बनने लगी। बड़ों का असर छोटों पर तो होना ही था। ए बाबर, क्या हुआ बल्ली? अरे बल्ली, बड़ी गर्मी है रे तेरे बाबर में। छोटे उस्ताद, ये दुश्मनों पे चलाने के लिए, अपनों पे नहीं। कदमों के निशा को मिटाते तो जाइए, कहीं हम भी न चल पड़े इनके निशा के साथ। बाबर के नन्हे पैर भी उसी राह पर चल पड़े। कट्टा यू खोल, पीछे से गोली भर और लगा के निशाना, दबा दो घोड़ा, धाए सामने वाला चित। हैं? कट्टा चलाया तूने? क्या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? बोलो तो कल ला के दिखा दूँ। ए बाबर, गुल्ली दे मेरी, देता है कि नहीं? बेरा हो गया क्या? ला मेरी गुल्ली दे। तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? फालतू बकवास ना कर, गुल्ली दे मेरी। गुल्ली चाहिए? ला। ले गुल्ली, ले ले ले। ला, ला मेरी गुल्ली, गुल्ली दे मेरी। ए ला मेरी गुल्ली, ए ला मेरी तरफ देख, दे मेरी गुल्ली। छोड़, हट, ए छोड़, हरामी साला। चल बे, डंडा लेकर आ, चल। ए तब्रेज, हरामी बोल रहा है। गैर कानूनी कट्टा मां, कानून का कारतूस, साला अद्भुत। कितने? पूरा सेंचुरी मारे हैं। हमने तो 200 मांगे थे। अरे भैया, जितना मिला है गनीमत समझ के उका स्वीकार करो। वो ससुरा एसएचओ द्विवेदी डंडा किए हुए आजकल। बबलू, बल्ली, ये इस टाइम यहाँ क्यों आया है? बल्ली,
ये दाने अंदर रख। जी भाई। लो दरोगा जी आप निकलो। लक्ष्मी जी की जाय हो। यहाँ से निकलो पीछे से। ठीक। बबलू। बल्ली। आया पहलवान। बाबर कहाँ है? यहाँ नहीं है। इससे क्या हुआ है? तेरे बाबर ने ईंट मारकर मेरे बच्चे का सर तोड़ दिया। पर हुआ क्या था पहलवान? हुआ कुछ नहीं, तेरे बाबर का दिमाग सातवें आसमान पे रहता है आजकल। ए, पागल थोड़े ही ना वो, इसने भी कुछ किया होगा। हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ खेल रहे थे। ठीक है बेटा, आने दे आस्ता भाई, मैं खबर लूंगा उसकी। अब तुम क्या खबर लोगे उसकी? खबर तो मैं लूंगा, जहाँ मिला जिधर मिला इतना मारूंगा उसको, इतना मारूंगा। क्यों मारेगा क्यों मारेगा? यतीम खाने से उठा के नहीं ला उसको, भाई है हमारा भाई। अबे हाथ तोड़ दूंगा तेरे। हाथ तोड़ेगा? हाँ। ले तोड़। अबे चल निकल यहाँ से। अरे तेरे बाप की जगह क्या रे? अबे सुबान पर लगाओ तेरे को। तेरी सुबान की तो ऐसी की तैसी। ये भाई इसको। अरे बल्ली। अरे तू नहीं जानता कि तूने किसके साथ पंजा लगाया? तू तो गया। ए बबलू। ए पहलवान। इसके 40वें का बंदोबस्त कर ले। 40वें वालेकुम सलाम, सब खैरियत बेटे? जी हाँ, अल्लाह का करम है। बताइए कैसे याद किया? कोई कोई तुम लोगों को मिलने के लिए आया, अंदर बैठा है। कौन मामू? आफताब। वो या काहे के लिए आया मामू? अरे भाई सुलह सफाई के लिए आया है, और काहे के लिए आया? हमें नहीं करनी उससे सुलह सफाई, जो होगा देखा जाएगा। देखो बेटे, हमारे धंधे में जितने कम दुश्मन हो ना, उतना ही बिजनेस के लिए अच्छा है। जब मामू कह रहे हैं तो देख लेते हैं ना। अरे ये बात हुई ना जी। चल क्यों बेटा, गोदा ना हो तो बड़ी बड़ी बातें नहीं पेलनी चाहिए। उस दिन क्या कह रहा था तू कि 40वें का इंतजाम करा ले? हाँ, छाता लगाएगा तू मेरा? क्या हुआ अब? मेरी शराफत को कमजोरी का नाम मत दे बल्ली, मोहल्लेदारी का ख्याल है इसलिए चुप हूँ, वरना आफ्ताब जहाँ एक बार थूक देता है ना, वहाँ कभी चाटता नहीं। ओए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ फिर शुरू हो गए तुम दोनों? अरे सूखी टट्टी पर पत्थर मारने से कोई फायदा नहीं है, गड़े हुए मुर्दों को यहीं पर दफना दो। चलो हाथ मिलाओ और इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर दो। कहा ना हाथ मिलाने के लिए, चलो हाथ मिलाओ। हाँ ये शाबाश। अबे क्या कर रहा है, झाड़ू ही मारता रहेगा, धूल उड़ाता रहेगा? जा जल्दी से जा मिठाई वाले के पास, गर्मा गर्म जलेबी लेकर आ, 1 किलो। जा अभी ला। अरे ये क्या हुआ बाबू? ये बाबू धोखा धोखा। अरे इको डालते 40 निकालेगा मेरा तू, 40 निकालेगा अब पता। तू नहीं बचेगा बल्ली। अब तब छोड़ दे, छोड़ दे उसे। अरे मामू, अरे वो सब पागल हो गया क्या? अरे छोड़ो अपने आप। अरे तू लाओ, छोड़ दो मैं कह रहा हूँ। अरे मधुर, कहते हैं माहौल और सोबत का असर दरो दीवार बदल देता है। इंसान क्या चीज है, बदल गया बाबर का बचपन भी।
अमनगंज से चले ये नन्हे पैर प्रदेश की जुर्म की दुनिया की हर सरहद पार कर गए। झुकना न उसको भावे, रुकना न उसको भावे, आ जावे चाहे राह में सो मुश्किले। चट्टान है चट्टान है, क्रोध का उफान है, टेढ़े मेढ़े रास्ते उसकी मंजिल है। शरारा शरारा वो गन की शरारा, मारा ही जाने उसकी दरे। गली गली में शोर उसका, या अल्लाह जो जिसको चल पड़े तो तूफान आ जाए चल काना। बाबर का आतंक हद से ज्यादा बढ़ गया तो उसका सफाया करने के लिए प्रदेश के नंबर वन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया गया। अरे जल्दी करो भैया, एसपी आ रहा है, तुम्हारे मैया का शादी नहीं है। हाँ टांग दो उधर। जी साहब। अरे सुनो जी, इधर आओ। देखो तुम वह जमे रहो, जैसे एसपी का गाड़ी लेफ्ट टर्न ले तुम अबाउट टर्न लेके हमको सूचित करना। जी जनाब। चल रहे राम दिन, जल्दी कर। अरे भैया हाँ मुसीबत है। अरे रगड़ के साफ करो इका। हाँ सर। कहीं नहीं थूक थूक के नक्शा खींच दिया दीवार पे। अरे ई कौन लाया है? हम लाए साहब। कहे का हुआ साहब? का हुआ हुआ तुम्हारे अम्मा का गहना। हम फ्लावर का गमला लाने को बोले थे, तुम ई तुलसी जी का गमला उठा लाए। लो। हाँ साहब। बदलो। जी साहब। ए फूल वाला ठीक है साहब? हाँ ठीक है साहब। एसपी साहब की गाड़ी आ गई साहब। अरे ये तो साहब द्विवेदी साहब है। एसपी साहब टोपी टोपी जो टोपी। जैन साहब बधाई हो साहब। अरे ससुराई का हो गया वहां? अब शगुन हुई गवा। आई स्वागत। मैं यहां किसी रूटीन ट्रांसफर पर नहीं आया, मुझे एक खास मिशन पर पोस्ट किया गया है और वो मिशन है ये फाइल। बाबर कुरैशी। बाबर कुरैशी सबसे बड़ा गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर्स में नंबर वन। होने वाली हर वारदात के पीछे इसका हाथ है। एबडक्शन, किडनैपिंग, हफ्ता वसूली, ठेके, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग टारगेट एरिया है। ये छह भाई हैं और सभी के सभी इसी का पांच। इसका एक भाई बल्ली 1998 में इनकाउंटर हो चुका है। सर नहीं तो उनका इनकाउंटर किया था, ई वजह से इनका ट्रांसफर करवा दिया था ससुरों ने। और उसी बल्ली के सबसे छोटे भाई, उसका सफाया करने के लिए मुझे फिर से बुलाया गया है। मुझे ऑर्डर मिला है या तो उसे जेल पहुंचाओ या जहन्नम में। का? डिसमिस। राइट सर। चतुर्वेदी जी। यस सर। बाबर 10 साल में इतना बड़ा ट्रेडर बन गया, कमाल है। इमें कमाल का है सर, अगर आप 10 साल में एसपी बन सकते हैं तो वो बड़ा क्रिमिनल का है नहीं बन सकता। लेकिन आप वहीं के वहीं रह गए, आपका प्रमोशन तक नहीं हुआ। प्रमोशन भी नहीं हुआ, आउट ट्रांसफर भी नहीं हुआ। सुना है बाबर लोगों को फोन करके धमकी देकर मारता है,
ठीक है सुने हैं सर। हेलो। अरे कैसे हो गए? अरे कहाँ हो गए? अबे पड़ेगी, पड़ेगी। अबे रुको। अरे मेरी बात। अरे कैसे आउट हुआ मैं? अरे रुको, रुको। अरे रुको, रुको। अरे रुको। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। ये पकड़ो पैसे और कल जाके क्रिकेट का पूरा सामान लेके फिर आउट करके दिखाना। बेईमानी करते हो सालों। अरे छोड़ो पहले बल्ला दो। हेलो। कटिया साल। बेईमानी करके आउट करते हैं और फिर बोलते हैं कि कौन? चिलानी बोल रहा हूँ। बेटे ज्यादा दिन नहीं बोल पाएगा। कौन है बे? तेरा अब्बू बाबर। बाबर? साले कुत्ते की तुम साले 12 साल नली में रखी फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। हाँ तू माना नहीं हमारी बात। 50 लाख रुपए तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारे हो गए। हाँ अरे बाबर तू किसे धमका रहा है? मेरा नाम चिलानी है। चिलानी साले मैं जानता हूँ तेरा नाम चिलानी है। जाज बाबू तेरी टेंडरी है। गोविंद नगर में एक पीले रंग की कोठी है जिसमें एक बीवी और दो बच्चे रहते हैं। बेटा वो जल्दी तेरी लाश पर रोने वाले हैं। ऐसी की तैसी तेरी। बड़ा बंदूकची समझता है अपने आप को। 20 साल से कारोबार कर रहा हूं समझा। मुझे पता था कुत्ता कढ़ाई में मुंह मारने जरूर आएगा इसलिए लाठी का इंतजाम पहले करके रख लिया है। 20 लाख सिक्योरिटी मनी दिए हैं तेरे बाप तब्रेज को। चुप साले। वो तब्रेज बचाएगा तुझे। वो तब्रेज बचाएगा इसे जो खुद अपनी अपनी संभाले संभाले फिर रहा है। साले जिलानी मैं तुझे तेरे घर के अंदर घुस के मारूंगा और वो तब्रेज दिखाता उसका भी खेल निपटा दूंगा। इतनी गोलियां मारूंगा साले। इतना मारूंगा कि मच्छरदानी बन जाओगे तुम दोनों। साले जिलानी तूने 20 लाख में अपनी जिंदगी नहीं मौत खरीदनी है। मौत पकड़ रहे। ये तो अच्छा डांस ही गया। सलाम अलैकुम। मुजरा सुन रहा है आजकल। सलाम। बैठो बैठ सर पर मत खड़ा रहो। काफी रहो। स्ट्रॉन्ग के लाइट लाइट हैं हैं लाइट। अच्छा तो जिलानी को फोन मारी दिया तूने? जी। हमसे पूछे बिना? ध्यान नहीं रहा अब। इसका मतलब वो मरेगा? जी। तो ठीक है तैयारी करो। चलो आप क्या करेंगे? हम लोग संभाल लेंगे ना भाई। और तुम्हें कौन संभालेगा? जितना बोले उतना करो समझे। बंद करो ये स्यापा। तो और क्या करेंगे? आपने छोड़ा है क्या हमारे लिए? चमड़ी बचाने के चक्कर में चमड़ी बेच दी। हमें मारना कोई खेल है क्या? बाबर के लिए है। उसने फोन कर दिया मतलब। अरे तू मेरी दीदी है या बाबर की? गली गली में शोर। अरे फोन मिला भैया तो भैया फोन नहीं उठा रहा है। जल पड़े तो तूफान आ जाए। हमने ऊँटी पे चढ़ा के खुद साला सीढ़ी लेके हवा।
छोड़ दो पहलवान, 20 का 50 ले लो, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो पहलवान, मुझे बख्श दो। कितना है तेरे पास? सब कुछ मिलाकर 5 करोड़ है। मेरे सामान की कीमत से कम है? मुझे छोड़ दो। चुप चल साले, आज तेरी चमड़ी का जूता बनाता हूं। चल चल बाप तबरेज को फोन साले। बाबर भाई, बाबर भाई मुझे छोड़ दो, 1 करोड़ रुपया ले लो। बाबर भाई, नवाज भाई मुझे छोड़ दो, एक बार मुझे मौका दे दो, 1.5 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, 2 करोड़ का। अब बाबर फोन नहीं उठा रहा है तो मामू क्या करेगा? पर वो है कहाँ? अरे मामू को क्या पता बाबर कहाँ है? कौन था मामू जान? तुम्हारा चाहने वाला था। वहाँ बाबर किला फोड़ता है और यहाँ मामू जान की सारी घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। हाँ अच्छा, वैसे बाबर है कहाँ मामू? पर वो जिया जिया, दरवाजा खोलो जिया, जिया हमारी बात सुनो, जिया जिया हमारी बात तो सुनो, जिया जिया दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे हम। जिया जिया दरवाजा खोलो, जिया हम दरवाजा तोड़ देंगे। जिया 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 हमारी बात तो सुनो, तेरे पे क्या कर जवानी तेरे है। हम यहाँ तुमसे मिलने आए हैं और तुम हो के जिया। क्या हुआ? अबे उस नौश का शॉर्ट सर्किट हुआ है, धमाके तो होंगे ही। हाँ जिया छोड़ो इसे, चल जाएगी तो चल जाने दो। पागल मत बनो जिया, वापस दो मुझे। तो जान लेने वाला जान जाने से डर रहा है? चलाओ गोली, मार दो हमें, मारो हमें। पागल मनो अपनी जान कैसे ले सकते हो? मोरे मन की ख्वाहिश। तुम नाराज मत हुआ करो यार। क्यों ना, बिना अर्जी दिए इतने दिन गायब रहते हो। कल ही तो फोन किया था। ये आंखें जब तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखती ना, कमबख्त सोने से इनकार कर देती हैं। बहुत शरारती हैं तुम्हारी आंखें। ऐसा ना दिन ना ये एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है मैं जहां भी जाता हूं तुम्हारी आंखें मुझे देखती रहती हैं, तुम्हारी निगरानी करती हैं। क्यों सताती है तुम्हें? क्योंकि मजा आता है। मजा आता है? मजा आता है? प्रभु रक्षा करना, ससुरा एसपी अमनगंज से शुरू कर रहा है। कहाँ कह रहे हैं दरोगा जी, बाबर के इलाके में जाएगा कहाँ? अरे पगला गया है ससुरा, हम बहुत समझाए उसका, हम बोले ड्रेडफुल एरिया है, वहाँ घर घर में कट्टा है, कब कहाँ से गोली आ जाए कोनो ठिकाना नहीं है। हाँ? अरे हुआ तो सारा पल्टर घुसने में डरता है, और वो अकेला जाएगा और का? हम कहे उका उबाबर का एरिया है, काट के फेंक देंगे, ससुरा जूते का फीता तक न मिली। हाँ?
पर दरोगा जी आप उसके साथ जाएंगे। अरे हमका जाने में क्या परेशानी है गट्टा, हमारा तो रोज का जाना आना है, सफेद लंगोट ठेला के निकल जाएंगे। आप धन्य हैं प्रभु, आप सचमुच चतुर्वेदी और द्विवेदी, आपसे द्विवेद कम ही पड़ा, आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। सब प्रभु की कृपा है। क्या देख रहे हैं एसपी साहब? देख रहा हूं उस 12 साल के बच्चे को जिसे मैं 10 साल पहले मिला था। तो बच्चा बड़ा हो गया एसपी साहब? बिल्कुल बदला नहीं, वही तेवर, वही जिद, वही नादानी। बुढ़ापे में नजर धोखा दे रही है एसपी साहब, इलाज करवाइए। मेरी नजर नहीं, तेरी अकल तुझे धोखा दे रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भी तुझे धोखा दे जाए। एसपी साहब धोखा तो तब होगा ना जब जिंदगी पर भरोसा किया हो किसी ने। जिंदगी तो साली छिनाल है, वक्त पर साथ छोड़ देती है। तुझे मौत से डर नहीं लगता? डर साली ऐसी चीज है एसपी साहब जो कदम कदम पर आदमी का पीछा करती है और तिल तिल मारती है। ए देख कटेगा। मैं जब 12 साल का था तो मैंने इस डर को मार दिया था, और आज बाबर खुद एक डर का नाम है। और मैंने हर उस डर का शिकार करने की कसम खाई है जो जिंदगी को डराता है। तो आप मेरा शिकार करने आए हैं? शिकार करने से पहले समझाने आया हूं ताकि तुझे कोई शिकायत ना रहे। समझ जा वरना क्या कर लोगे भैया? अरे बोलो एसपी साहब क्या कर लोगे भाई? जाइए एसपी साहब घर जाइए, हमारे इलाके में बैठे हैं इसलिए छोड़ रहे हैं, वरना लोग ये कहेंगे एसपी को बाबर ने अपने ही घर में घेर कर मार दिया। चलो निकल लो अब, किसी दिन खुले में मिलेंगे तो समझेंगे समझाएंगे। अबे काट। शुक्र मना कि मैं तेरे घर पे आया हूं, और आज के बाद दुआ करना कि खुले में आमना सामना ना हो। उस दिन समझेंगे और समझाएंगे भी। मामू अरविंद, इस शहर में बाबर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़े दुश्मन तो हम हैं सर। जाहिर है, आपके अलावा, मेरा मतलब अंडरवर्ल्ड में ऐसे तो बहुत हैं, मगर टॉप का दुश्मन एक ही है, तबरेज। कहाँ जाने का भाई? अकरम भाई हैं। क्या काम है? एक ट्रक बड़ा चाहिए, कलकत्ता भेजना। कपड़ों का झाड़ा ले और जाने दे। भाई बिल्कुल साफ है, इसको अकेले ही जाने दे, बाकी को रोक यहीं। आप जाइए अंदर। अबे पूरा माल खाली करवा दिया है, पैसा भिजवा दे भाई। ये पैसे चल अंदर रख, अंदर रख। चल जल्दी जल्दी हाथ चला, बराबर छाट रहे, फटाफट माल पहुंचा। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम अकरम पहलवान। सलाम। वालेकुम अस्सलाम तबरेज, कैसे आना हुआ? नुकसान हो गया, पूरा करने आया हूँ। कैसा नुकसान भाई? 20 लाख का नुकसान हो गया। आपने तो सुना होगा बाबर ने जिलानी को मारा, 20 लाख देता था साल का मुझे। देख भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तेरा और बाबर का मामला है, आपस में निपट ले। इसीलिए तो आया हूँ। मतलब
देखो जो 20 लाख जिलानी देता था अब से आप दे देना। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे पहलवान आप तो अबे तबे पे उतरा है यार। है? तो क्या करूं? तू बात ही ऐसी कर रहा है, अकरम पहलवान को धमका रहा है। खाली हाथ खड़ा हूँ आपके इलाके में और आप पे बाबर का हाथ है, कैसे दूंगा धमकी? मैं प्यार से कह रहा हूँ। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसा मांगने की? देखो पहलवान, पहले ही कहा था आपसे नुकसान पूरा करने आया हूँ, पैसे लूंगा या जान लूंगा। तेरी माँ की। अरे क्या हुआ बिटिया? बाबड़ मार रहा है। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। हाँ, थोड़ी शर्म कर, इतनी बड़ी लड़की को तू मारेगा? मारने की आदत है इसकी, क्या करे खाला, मजबूर है। इतनी बड़ी हो गई अम्मी, रह पे लुढ़कना नहीं गया इसका, पता नहीं कब सुधरेगी। अरे बस बस, लड़ाई बंद भी करो, अब इतने सालों के बाद आए हैं हम, और तुम्हारा आफरीन से झगड़ा बंद नहीं हुआ अभी तक। हम तो कलकत्ता जा रहे हैं वापस, शाम 4 बजे की ट्रेन है, चल छोड़ देता हूँ। देखा खाला, 1 मिनट में पढ़ाया कर दिया। अरे नहीं मेरा चांद, तुझे तो इसके पल्ले ही बनना है। अरे अरे, अरे आजा मेरे शेर। अरे यार दे रहे हैं तुमको, अरे रुको ना यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो। ईद कहाँ है हमारी? और हमारी ईदी ये लो। सुनाई नहीं दिया, फिर से दो ना। अरे तुम्हें नहीं दे रहा था? तो फिर किसे दे रहे हो? आफरीन को दे रहा था। क्या, आफरीन को? अरे वो वाली नहीं दे रहा था, पैसे दे रहा था। कब आ रहे हो?
बस सबसे मिलजुल कर खाना खा के आता हूँ। जल्दी आना, क्योंकि जब तक तुम नहीं आओगे हम खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, आता हूँ। कैसी है नवाज भाई? ठीक है। ठीक है, अच्छी। अरे अच्छी है। सामने खड़े होकर बनवाई थी आपके लिए। आप बाबर भाई के बड़े भाई हो ना, इसलिए। अरे अबे झंडू, तो ये हमेशा बाबर भाई क्या करता रहता है? बाबर भाई अपना हीरो है, उसके लिए जान भी दे देंगे। अगर किसी ने बाबर भाई के साथ तिया पांच किया तो साले को 9-2-11 कर दूंगा दुनिया से। अच्छा झंडू, भाईजान को बाबर की एक्टिंग करके दिखा। नवाज भाई बोलेंगे तो दिखाऊंगा। अरे बाप, दिखा दे मेरे भाई। अबे तेरी समझ में नहीं आई ना बाबर की बात? कुत्ते की पूछ 12 साल लली में रखी तब भी टेढ़ी की टेढ़ी। इतनी गोलियां मारूंगा साले मच्छरदानी बना दो। पहलवान अपने कपड़े तो देख लीजिए, अभी अभी आए। कैसा लग रहा हूँ भाई? अरे अरे हीरो लग रहा है मेरा शेर। भाईजान पहलवान को लेकर एक पिक्चर बनाओ। बना देते हैं। पहलवान को करीना कपूर ज्यादा पसंद है, हीरोइन सीख लेंगे। जी भाई। कैसे हो? दुआ है। यहाँ से फोन आया था, एलडीए के टेंडर के बारे में पूछ रही थी। कहनी थी कि वो टेंडर सुल्तान को ही मिलना चाहिए। जी वो बाबा ने फोन कर दिया था, सोन का टेंडर नहीं डालेगा। यानी के मैदान साफ है? जी। तो मैं बोल दूं? जी भाईजान। सोच समझ के बोलो, ऐसा ना हो कि बाद में थूकट चाटना पड़े। भाईजान बाबर को फोन दो। जी। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। छोटे कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? भाईजान आज तक ना ऐसा कभी हुआ ना कभी होगा। मैंने सोनकर को बोल दिया वो टेंडर नहीं भरेगा तो नहीं भरेगा। खुदा हाफिज। जाओ तुम्हारी लाइन क्लियर है। पहलवान आपके मुबारक हाथ जिसके सर पे हो उसका तो अल्लाह सबसे बड़ा बादशाह है। जी जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। गैस खत्म हो गई है। तुझे जला के चाय बनाएंगे तुझ पे। मजाक काहे कर रहे हो भाई? मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। टेंडर डालेगा कि नहीं? पापा ने मना किया। डालूंगा तो मार देगा मुझे। रिवॉल्वर है, ए रख ले, फट रही है, चेक कर। ठीक है, चेक कर ले। ये टेंडर श्री परमेश्वर नंदा जी को जाता है। अगला टेंडर एक मिनट, बता रहा हूँ। पूरे सप्लाई हाँ दे। कहाँ रह गए लोग? मैडम ये कूड़ेदान के टेंडर की फाइल। अच्छा ठीक है। बाबर भाई यहाँ यहाँ। सलाम भाई, आइए बैठिए। कूलर के टेंडर्स कहाँ पर हैं? ये लीजिए। सोनकर तो कहीं दिख ही नहीं रहा। समझदार है,
ठीक है मैं। आज की सबसे बड़ी राशि का टेंडर कूलर लगवाने का जाता है श्री रसिकलाल सोनकर को। टेंडर राशि का 10% बतौर बैंक डायरेक्ट खजाने में जमा करवा। अगला टेंडर सभी कार्यालयों में पूरे डांस सप्लाई करने का। खोपड़ी में वो सारा सोनकर सरेआम मुंह पे मूंद गया। वो हरामी तबरेज हाथ से आकर निकल गया सिर्फ आपकी वजह से। आज आप नहीं होते तो उनका हिसाब किताब बराबर कर दिया होता। हिसाब किताब हमारा बराबर हो जाता। अरे साले तबरेज को तो निपटा देता आज मैं। समझता क्यों नहीं है तू? पुलिस वालों को मारेगा तू? हां मारूंगा। अरे आज पुलिस हमें मार देती तो मार देती मैं मरता। हरपाल जी, कल बिटिया का ब्याह है, याद है ना? अरे कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, अरे कहाँ है? अरे टैंकर आ जाएगा, चिंता ना कर। हाँ जी, और सब तैयारी हो गई ना? हाँ, बस एक समस्या आ गई है। दामाद जी जिद कर बैठे हैं कि दहेज में उन्हें एमएलए की कुर्सी चाहिए। देश सेवा करना चाहते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसी से इस्तीफा दिलवा देते हैं। प्रेम से मान गया तो ठीक है, वरना 5 साल तक जांच कमीशन बिठवा देंगे। वही, बस जरा देख लीजिएगा। बाकी कल जरा जल्दी आइएगा, राग रंग का प्रबंध है, कानपुर से पत्तूरिया बुलवाइए। पूरी कोशिश करेंगे। जरूर जरूर। बिटिया को प्यार दीजिए। अच्छा नमस्कार। चुप करो बे। भैया जी के घर में बैठे हो फिर भी डरे जा रहे? अबे जानते नहीं भैया जी कौन है? संभाल लेंगे सब। कर दो तुम। ए तबरेज, बंद कर अपना ये स्वांग। जूता खाने वाला काम किया तुमने। अपनी हवाबाजी बनाने के चक्कर में तूने इसकी हवा बंद कर दी। किसके चक्कर में पड़ गया तू? इसके पास में कुछ ना है, जाट पर चढ़ा दिया तुमने। समझ रहे हैं भैया जी, पर गलती हो गई। हो गई तो भुगतो, हम क्या करें।
आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो भैया जी। आप एक बार बाबर से अपना कोई बैर ना है भाई, और सरफराज से पुरानी दुआ सलाम है हमारी। नमस्ते। हाँ, खुश खुश। हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। तुम लोग चलो अपना मुंह काला करो यहाँ से। चलो, खुशी के मौके पर मनहूसियत मत फैलाओ। चलो। छोटा मुंह बड़ी बात है भैया जी। आपके लिए बहुत बार बाढ़ में कूदे, आज हमारी नाव डूब रही है तो। भैया जी, भैया जी, भैया जी, हम सब जगह निराश होकर आपके शरण में आए। भैया जी, आप तो बहुत दुखकारी है, वर्राम सीधा गंगा जी में जाकर डूब मरेंगे। भैया जी, हम कह रहे हैं डूब मरेंगे भैया जी। भैया जी, अरे ऐसा मत करना भाई, गंगा जल में पहले ही प्रदूषण फैला पड़ा है। नहीं होगी, बचा लीजिए भैया जी, आप चुप हो लेके मैं करूंगा। अच्छा, अभी चुप कर, अब चुप कर भैया जी, मेरे बच्चे हराम हो जाएंगे भैया जी। ये विधवा विलाप बंद कर, बिटिया के ब्याह के मौके पर आए हो, शरण तो देनी पड़ेगी। अपनी ठकुरे का सवाल है। जा ऐश कर, कोई तुझे कुछ ना करेगा। जा, मैं बाबर से बात करूंगा। बाबर नहीं माना तो। हेलो भैया जी, प्रणाम। कौन? बाबर। हाँ, ए बाबर, खुश रहो। खुश कैसे रहे भैया जी? हमारी खुशी तो आपने अपने घर में छुपा रखी है। आपसे उम्मीद नहीं थी भैया जी। अब कहा करते हैं, ये साला सोनकर रोता हुआ मेरे पास आया और पांव में गिर पड़ा। बेचारा गलती मान रहा है, जाने दो, किस्सा खत्म करो। ये मेरा और सोनकर का मामला भैया जी, आप बीच में क्यों पड़ते हैं? बाबर, हम तो बीच में पड़ना ही नहीं चाहते थे। बताइए सोनकर, हमको बीच में घसीट लाया। अब की मेरी बात रख लो, इसे एक मौका दे दो। नहीं भैया जी, ये नहीं हो पाएगा। हम सोनकर को वचन दे चुके हैं बाबर, नाक कट जाएगी हमारी। हम भी उसको मारने का वचन दे चुके हैं भैया जी, हमारी भी नाक का सवाल है। तुम्हारी नाक हमारी नाक से बड़ी हो गई है क्या? हमसे जबान दराजी करता है। तुमसे इतनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुराना नाता है, वरना तो हम खड़े खड़े मामला निपटा देते हैं। हम भी पुराने नाते के चलते रुके हैं भैया जी, वरना दुश्मन के दोस्त का हम दुश्मन वाला ही हाल करते हैं। ये बात है तो चलो चूल्हे में डालो पुराने नाते को। अब जो तुमसे हो सके कर। तुम्हें लगता है हमारे इलाके में घुसकर तुम सोनकर को मार पाओगे? बिल्कुल मारेंगे, और डंके की चोट पे मारेंगे। शर्त लगाता है? लग गई शर्त, जिंदगी जिंदगी। और बोलो, अब बोलना क्या है? तुम अपने घोड़े खोलो और मैं दिखाता हूं अपना दम। जो जीता वही शाह, और जो हारा वो कुत्ता। मंजूर है। सोनकर तो जाएगा भैया जी, पर अफसोस इस बात का है कि उस दो कौड़िये की वजह से आपके और हमारे बीच में गांठ पड़ गई। खैर, जो खुदा को मंजूर। और हाँ, बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक। बाबर का घंटी बजल मतलब अर्थी सजल, 24 लोगों को ऊ बोला मारूंगा, मारा। अब 25वें को बोला मतलब क्वार्टर सेंचुरी बनाएगा बाबर। शट अप हो गए सर। बट चतुर्वेदी इज राइट एसपी, बाबर वहां जरूर आएगा। जानता हूं सर, और यही मैं चाहता भी हूं। दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर अस। बाबर कल भी जरूर आएगा, लेकिन वहां से वापस नहीं जाएगा। चतुर्वेदी जी। यस सर। अब चारों तरफ से कालपी को सील कर दो।
अंदर। अम्मी रो लो या बोल लो। हमने अपनी बहन से वादा किया था कि तुम्हारा निकाह आफरी से कराऊंगी, लेकिन अम्मी मुझे शादी वादी नहीं करनी है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुझे अपनी मरती हुई अम्मी की बात सुननी है। क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो अम्मी? तुम इधर से या कब्बू से पूछ ले, डॉक्टर ने बोल दिया है कुछ दिन और है बस। चूती है साले डॉक्टर, कुछ नहीं होगा अम्मी, तुझे कुछ नहीं होगा। तू मेरी बात नहीं मानेगा। तब अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुनो अम्मी। अम्मी मोहम्मद बाबर कुरैशी वल्द मोहम्मद सिराज कुरैशी सादीन अमनगंज को 125,000 रुपए मेहर के साथ आपके निकाह में दिया जाता है, आप उनको अपने निकाह में कबूल करती हैं? हाँ हमें कबूल है। जी भैया जी, फोन जी बात करा। जी भैया जी, आज बचाना चाहिए सारा जी। से तेरी बकवास सुन रहा हूं, तारीख पे तारीख पड़े जा रही है, चूतियों की तरह से आता और चला जाता। साले तेरे बस की नहीं है तो बता, दूसरा वकील करता हूं। अरे बाबर भाई, मैंने पूरा जोर लगा रखा है। चुप साले, आज अगर जमानत नहीं मिली ना तो जेल तोड़कर भाग जाऊंगा। अब फिर बजाते रहना बाबा जी का घंटा, समझा? प्रदेश में है दम, यहां जुर्म है कम।
कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। जुर्म अपनी चरम सीमा पर है। भरी अदालत में सैकड़ों पुलिस वालों के बीच बाबर कुरैशी पर जानलेवा हमला। तबरेज आलम बाबर कुरैशी का दुश्मन, गोली मारकर फरार। पुलिस कुछ नहीं कर सकी। अनिरुद्ध आप इस समय अस्पताल में हैं, क्या हालात है वहाँ पर? जी स्वाति, बाबर कुरैशी की हालत अब खतरे से बाहर है। पुलिस यहाँ हम रिपोर्टर्स को भी उनसे मिलने नहीं दे रही। हेलो नवाज भाई, ये कुछ खबरी है, अदालत ने बाबर की जमानत मंजूर कर ली है। सही में? हाँ भाई, पेपर्स मेरे पास हैं। एक मिनट। क्या बात है भाई? ये बाबर कुरैशी की जमानत के पेपर्स हैं। बाबर को जमानत मिल गई। सब पेशेंट को होश आ गया। ठीक है, आप यहीं रुकिए। जी लो सर, गई भैंस पर। ये सारी इन हरामियों की मिली भगत है। एडीजे, एसपी, दारोगा, ये सब इसमें शामिल है, वरना तुझे। बाबर कैसन है? लो आ गए साले यहाँ। कैसी तबीयत है पहलवान? तबीयत पूछ रहा है साला। अरे ये क्या कर रहे हो पहलवान? देखो हम तबरेजवा को छोड़ेंगे नहीं, कसम से खा रहे हैं। ए दारोगा बस कर अपना ये नाटक, हाँ बंद कर। वहां पुलिस के सरेआम बीच में इस लौंडे को गोली मरवाते हो और यहाँ आके मगरमच्छ के आंसू बहाते हो। वाह, अरे बड़ी गंदी जात थे तुम लोगों की। क्या बात कर रहे हो मामू, कछु पता है नहीं, ऐसे बकवास किए जा रहे हो। हम कहा किए भैया, हमारा कसूर कहा है? हम थोड़ा गोली चलाए हैं। अरे हम कसम से कहते हैं, हम तब रेजवा को छोड़ेंगे नहीं, ससुरे का एनकाउंटर हम खुद करेंगे। बाबर तो बच गया, लेकिन तबरेज और उसका साथ देने वालों की जान पर बनाई। हर वो आदमी जो बाबर पर किए गए हमले में तबरेज का साथी था, मौत के घाट उतारा जाने लगा। पता तबरेज का? नवाज के सर पर खून सवार था, उसका सिर्फ एक ही मकसद था, तबरेज की जान। पहलवान तबरेज का पता? तबरेज भागता फिर रहा था, उसके साथी, उसके दोस्त नवाज की गोलियों का निशाना बन रहे थे। एडीजे जिसने कोर्ट में तबरेज की मदद की थी, भरी रोड पर नवाज की गोलियों का निशाना बना। खुलेआम सड़कों पर कत्लेआम ने पूरे शासन को हिला दिया। बाबर के जख्म भरने में ज्यादा दिन नहीं लगे। महबूब ने तबरेज की पक्की खबर दी। Oh!
तबरेज को पकड़ ही लिया था, लेकिन वो हाथ से निकल गया। विपक्ष को पूरा मौका मिला मौजूदा सरकार की धज्जियां उड़ाने का। एक गुंडे की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती अगर प्रशासन के विरुद्ध हाथ उस पर ना हो। मौजूदा सरकार निकम्मी है, भ्रष्ट है, इसलिए सरकार को जाना होगा और इसके लिए हम यहाँ से दिल्ली तक आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरेंगे, आम अरेस्ट अनशन करेंगे। हो चुकी है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे लानत है आप लोगों पर, आप लोगों की वजह से विपक्ष ने हमारी नाक में दम कर रखा है। दिल्ली से फोन पर फोन आ रहे हैं, पब्लिक और प्रेस थू-थू कर रही है, वो अलग। मैं सिचुएशन की ग्रेविटी समझता हूं सर, हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है, लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से सर, प्रशासन के कुछ लोग बाबर को बचा रहे हैं। आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं द्विवेदी? नहीं सर, एसपी का इशारा आपकी तरफ नहीं था। तो फिर किसकी तरफ था है? प्रशासन का मतलब तो हम ही हुए ना, पुलिस निकम्मी हो गई है बस। नहीं सर, पुलिस निकम्मी नहीं हुई है, पुलिस मजबूर है। क्या मजबूरी है सर? अमनगंज इलाके का सर्च वारंट हमें दे दीजिए, सिर्फ एक घंटे के अंदर बाबर और बाबर जैसे जितने भी हैं आपके सामने होंगे। कम्युनल राइट्स करवाना चाहते हैं आप है? आप जानते हैं ना कितना सेंसिटिव इलाका है वो, 12 लाख माइनॉरिटीज का वोट बैंक है। और एक बात और। जी हाँ, हिंदुस्तान के हर शहर में ऐसा कोई ना कोई इलाका जरूर है जो वोट बैंक है, और उस वोट बैंक के साथ बाबर जैसे क्रिमिनल्स भी मिलते हैं। भाषणबाजी बंद कीजिए द्विवेदी, बड़ी उम्मीदों से बुलवाया था हमने आपको, पर पता नहीं कमी कहाँ रह गई है, हमारी समझ में या आपकी ईमानदारी में। जल्दी कुछ कीजिए, जल्दी कुछ कीजिए द्विवेदी, वरना बोरिया बिस्तर बांधिए और चलते बनिए। आप जा सकते हैं। बचपन की एक बात याद आ गई, तीसरी क्लास में था, गणित का इम्तिहान था और गणित मुझे समझ में नहीं आता था, आज भी नहीं आता है। तो पास होने के लिए मैंने नकल की, पास तो हो गया लेकिन कई रात सो नहीं पाया। वो दिन और आज का दिन हर रात सोने से पहले याद करता हूं कि आज किसी इम्तिहान में बेईमानी तो नहीं की। और फिर चैन की नींद सोता हूं। सर के बाल जब आंखों में जाने लगे तो आदमी उसे काट देता, कुर्सी हिली तो प्रशासन जागा और पुलिस हरकत में आ गई। बाबर या तबरेज की कोई भी इंफॉर्मेशन मिले बताना जी, इतना ही ऑफिस। मेरे अंदर बदले की आग ने ना पुराने बाबर को राख कर दिया है। तबरेज का ख्याल आते ही मेरी नसें चटकने लगती हैं और खून खोपड़ी में दौड़ने लगता है।
जी अगर मैंने उसे नहीं मारा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा या खुदकुशी कर लूंगा। मुझे डर लग रहा है बाबर, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। चलता हूं मैं, आफरीन के दिन नजदीक है, उसको उसकी अम्मी अब्बा के यहां छोड़ के आना है। कलकत्ता? कब जा रहे हो? कल शाम की गाड़ी है। खुदा हाफिज। देखते हैं। छप्पर फार खबर है भैया, तो आर पर मित्र तब्रेज को आज 2 बजे कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है। पक्की खबर? अरे 16 ने पक्की है। मौका अच्छा है पहलवान, भरत मिलाप कर लो। संभल के जाना जी। और अपना ख्याल रखना, ठीक है? गर्म है, लो अब जल्दी करो। हाँ। बाबर जी। भाई क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं। तो फिर प्रोग्राम क्यों बदला? ऐसा क्या काम है? अब हर बात आपसे पूछ के करूं? तमाचा मारूंगा। जब तक जिंदा हूं बड़ा मत बन, जब मर जाऊं तो अपनी मर्जी करना। ऐसी बात क्यों करते हो? देख अपना ख्याल रखना, जान है मेरे भाई। चल खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना। जाओ। हमने कौन धोखा नहीं किया? चुप, झूठ मत बोलो। तुम साले रंडी और रंडी, पैसों के लिए किसी के साथ भी सो सकते हो। तू गया साले, आज तू गया। एक मिनट बाबर भाई, हमारी बात सुन लीजिए, फिर जो मन में आए कीजिएगा। देखिए ये सारी चाल द्विवेदी की है, उसने हमका झूठी खबर दी थी और खुद जाल बिछा कर बैठ गया था। सारी मुसीबत की जड़ अस्टू एसपी है। एसपी, एसपी।
बाबर कहाँ है? कौन मालूम? तेरा बाप बाबर है, गैंगस्टर बाबर। हमको इसका कोई नॉलेज नहीं है सर। कोई नॉलेज नहीं है। झूठ बोलता है तू। बाबर का ही बार बार है तू। आप विदाउट रीजन कानून हाथ में ले रहे हैं। साला कानून की बात कर रहे हो? कानून बहुत क्रिमिनल समाज है। आज साला एक पुलिस वाले का इंतजार करूंगा मैं। चल। नहीं नहीं सर, नहीं ऐसा मत कीजिए सर। नहीं कीजिए। चल। छोटा बच्चा है सर। बात सुनिए। आज बाबर ने दो पुलिस वाले मार दिए। उसमें से कल एक की शादी होने वाली थी, एक चार बच्चे थे, अकेला, सिर्फ अकेला कमाने वाला था परिवार का, समझा? एक मौका और दे दीजिए। चुप कर साले, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। देख, देख तेरे बच्चों की आंखों में देख। अरे बच्चों, हम अपने बच्चों का कसम खाकर कहते हैं अजमी साहब, ये वर्दी को दगा नहीं दूंगा, किसी क्रिमिनल का साथ नहीं दूंगा। हमको आखिरी बार माफ कर दीजिए। बाबर कहाँ है मामू? अबे बता दे साले, काहे अपनी बूढ़ी हड्डियों को कष्ट दे तो? बाबर का पता बता दे और घर जाके आराम से सिकाई करवा। अरे हरामी कुत्ते पिल्ले दोगले, बाबर की फेंकी हुई हड्डियां खा के तू इतना मोटा हो रखा है? हाँ, अपनी टांगों के बीच दम दबाकर मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था, तू भूल गया? उस गुंडे की खातर काहे कुटम्बस खा दो? अच्छा, तुहार भांजी का यार है वो? तुहार भांजी तो पतंग है, पतंग। कोई भी उसे लूट लेगा, नहीं तो हम उड़ा लेंगे। फिकर मत कर, तेरे कन्ने काट के फेंक देगा बाबर। अबे तू और तेरा बाबर, तेरा इलाज है हमारे पास। तू बोलेगा, टेप की तरह बोलेगा। अभी देख हमरा जलवा। गिलस वाला आवे। शाकाहारी जल हो जाएगा। अरे छटपटा तो ससुरा, हम तो कह रहे हैं तू बोलेगा। बोल। बताता हूँ। बोल। बाबर का पता नहीं मालूम मुझे। फिर हरामी पना दिखा रहा है? वो अपना ठिकाना बदलता रहता है, लेकिन नवाज कल शाम 4 बजे पोजीशन ले लो सब लोग।
ढोल बनाकर पीटो, एकदम हमारी ताल पर बजेगा। काल भी खींच लेगा तब भी कुछ हासिल नहीं होगा पड़वाए। देखते हैं, देखते हैं। तोरा का विचार है गुलफाम, बाबर का पता बताएगा? हमको नहीं पता साहेब। नहीं पता साहेब, हमका कुछ नहीं मालूम। साहेब हमका कुछ नहीं मालूम। तेरा बाप भी बताएगा? मालूम नहीं, मालूम तो तेरे बाप को भी है। ले जाओ इका, दौड़ ध्यान रहे, मरना नहीं चाहिए। अभी बहुत खतर करनी है इसकी। रुको, बता रहा है। इधर आओ। बता रहा नहीं बाबा। बता, बाबर कहाँ है? मरना नहीं चाहिए। ये
रही है क्या? मामू कहाँ है? मेरी बात सुनो बाबर, मामू की जान बख्श दो। दिमाग मत खराब कर मेरा। मैंने हमेशा तुम्हारी सलामती की दुआ मांगी है, तुम्हारी अकेल बोलते लोग। मैंने पूछा मामू कहाँ दिया? पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ, मामू की जिंदगी बख्श दो बाबर, मामू की जिंदगी बख्श दो। मुझे मारने आया है ना, मार डालना, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुन ले। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, मारते मारते उन्होंने मेरे हाथ पांव तोड़ दिए, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला मैं, उल्टा लटका के भी मारा मुझे, लेकिन तेरे मामू ने ज़बान नहीं खोली। फिर वो हरामी मुझे पेशाब पिलाने लगे। तेरे बाबू को वो तुझे पता मैं क्या करता, क्या करता मैं? मैंने तुझे अपने बच्चे की तरह प्यार किया है, याद है तुझे? सारा दिन मेरे कंधे पे बैठ के खेला करता था तू, हाँ? घर से मार खा के आता था तो मेरे पास में आके रोता था और मैं तेरे आंसू पोंछा करता था। मामू मुझे पतंग खरीदनी है, मुझे पैसे दो। मामू मैं कुल्फी खाऊंगा, एक नहीं मुझे दो दो चाहिए। अब तू ही बता बेटे, तेरा मामू तुझसे गद्दारी कर सकता है क्या? नहीं बेटे, नहीं, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे बाबर, मुझे बख्श दे। मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे बाबर। मुझे पड़ी है जिंदगी, हर तरफ है बेबसी ही बेबसी, जिंदगी है क्या? ओ मौला ये बता, ये जिंदगी है क्या? अब जाएंगे कौन से दर, फूंक दिया अपना ही घर, अब जाएंगे कौन से दर, फूंक दिया अपना ही
अब जाने कमजोर हूँ मैं या के मैं हूँ ताकतवर। ना मंजिल की है खबर, ना मंजिल की है खबर, ना राहों का ही है पता। वो मौला ये बता, ये जिंदगी है क्या। मुख्यमंत्री निवास के पास बाबर कुरैशी गैंग के दो सदस्यों को पुलिस ने मार गिराया। इन दो सदस्यों में बाबर कुरैशी का भाई नवाज कुरैशी भी शामिल था। माना जाता है कि इनका मकसद मुख्यमंत्री के छोटे भाई हरपाल सिंह की हत्या करने का था। मौजूदा सरकार पर इल्जाम लगाने वालों से पूछिए, गुंडों को बढ़ावा हम दे रहे हैं वो। ये बात जग जाहिर है कि बाबर कुरैशी और उसके भाइयों के पीछे कहाँ थे। तो आपका इल्जाम ये है कि आप पर हमला विपक्ष ने कराया है। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सबूत है हमारे पास। वक्त आने पर सामने लाएंगे। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी सरकार प्रदेश से जुर्म मिटा के रहेगी और इस हमले के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आप लोग यहीं ठहरिए। पहलवान वो लोग आ गए। तुम चलो बैठो। ये छोटे छोटे मत कर, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी मुझे। आप लोगों को कैसी बात कर रहे छोटे? अरे तू हमारा भाई है, हम सब भाई हैं, एक ही खून है छोटे। और जो मरा वो मेरा भाई था। छोटे वो हमारा भी भाई था, लेकिन छोटे कभी 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 जज्बात से ज्यादा हालात से लड़ना पड़ता है। वो साला जज्बात थी क्या जो हालात का मोहताज हो? बात को समझने की कोशिश कर मेरे भाई। जाने वाला तो अब चला गया, पता है तेरी इस नादानी से हम सब कितनी मुश्किल में आ जाएंगे। देख छोटे, हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग बदला नहीं लेंगे, हम लोग जरूर बदला लेंगे, लेकिन छोटे उस कल का इंतजार करेंगे जब चीजें हमारे हक में होंगी। भाईजान याद तो कल जा चुका होता है या फिर आने वाला होता है, और दोनों पर आदमी का अख्तियार नहीं। मैं आज में यकीन रखता हूं, आज में, पर मेरा आज ये कहता है कि मैं हरपाल को मारूंगा। तो आज बनकर तू नहीं जानता कितने ताकतवर है वो लोग, खुदा से भी ज्यादा। चल बे, चल। किरम कॉलेज प्रदेश के जाने माने कॉलेजेस में से एक है। आज गृह मंत्री श्री हरपाल जी ने हमारी कंप्यूटर फैकल्टी का उद्घाटन करके हमारे कॉलेज को हिंदुस्तान के अजीम कॉलेजों में शामिल कर दिया है। अब मैं माननीय गृह मंत्री श्री हरपाल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे कॉलेज के बारे में दो शब्द कहें। नमस्कार। कंप्यूटर ने क्या कमाल की चीज बनाई है, सारी दुनिया एक छोटे से डब्बे में बंद कर दी, बटन दबाओ और खट से काम चालू। मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर खूब पढ़ो लिखो। अरे मैं तो चाहता हूं कि हर युवा के हाथ में एक एक कंप्यूटर थमा दूं, एक एक लैपटॉप थमा दूं, एक एक पाम टॉप थमा दूं, ताकि वो चाकू और कट्टा चलाना छोड़कर कंप्यूटर चलाए, अपना भविष्य बनाए, हमारा भविष्य बनाए, इस देश का भविष्य बनाए। मैं वादा करता हूं इस विद्यालय की
जब अपनों पर बनाई तो दर्द का एहसास हुआ। मुख्यमंत्री कायम सिंह के अपने ही भाई पर हुए हमले ने उनके होश उड़ा दिए। पहली बार अमनगंज जैसे इलाके का सर्च वारंट जारी किया गया। काटने के लिए अचानक की गई इस कार्रवाई ने बाबर और उसके जैसे कईयों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। एसपी द्विवेदी ने अमनगंज का चप्पा चप्पा उधेड़ डाला। कई घंटों तक चले इस ऑपरेशन में कुछ भाग गए, कुछ मारे गए और कईयों को अरेस्ट कर लिया गया। दरवाजे बंद हो गए। कैसी हो जिया? ये का हुई गवा? बाबर से हमका ये उम्मीद नहीं थी। मामू पर गोली चलाई कैसे उसने? ऐसन भी का गुस्सा, अपने पराए का फर्क भूल गया? ये भी भूल गया कि मामू ने उसे कितना प्यार किया था? कुछ देर के लिए मामू को भूल भी जाए तो उसने तुम्हारा भी कहां ख्याल किया? तुमने अपना सब कुछ लुटा दिया। रखैल होते हुए भी एक ब्याहता पत्नी की तरह अपना फर्ज निभाया। एक बार भी उसको ख्याल नहीं आया कि मामू की बात तुम्हारा कहा होगा? कैसे जियोगी तुम अकेले ये जिंदगी? एहसान फरामोश, उस ससुरे ने तुम्हें प्यार किया ही नहीं कभी, हमेशा इस्तेमाल ही किया है तुमको। रो मत, अरे हम तो जिंदा हैं ना, हा? फिल्म वाले भी साले खूब चूतिया बनाते रहते हैं। अरे पागलों की तरह क्यों रो रही है? वो सच में थोड़ी मरा है। ऐसे इंसान सच में भी तैसे मरते हैं। बकवास है ये सब। सचमुच कोई ऐसे ही थोड़ी मरता है। क्यों? बल्ली भाई और नवाज भाई नहीं मरे? चुप कर। जब आदमी की मौत आनी होती है तब आ जाती है। लोग एक्सीडेंट और बीमारी से नहीं मरते क्या?
जो मुकद्दर में लिखा होता है वही होता है। लेकिन कुछ लोग मौत को ही अपना मुकद्दर बना लेते हैं। तू कहना क्या चाहती है? कुछ नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि अम्मी। तेरी अम्मी कुछ ज्यादा नहीं कहती? उन्हें क्या कुछ कम का करे। और सुन, मेरी मौत जब आनी होगी तब आ जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, इतनी जल्दी हर इंसान नहीं मरता। योगी, राकेश और नवाज भाई की उम्र नहीं थी अभी मरने की। अम्मी कहती है कि बच्चे गाड़ी होते हैं और माँ बाप तो पहिए होते हैं, और एक पहिए से ये गाड़ी नहीं चलती। मैंने बाबर को मना लिया है। अल्लाह ने हमारी सुन ली। बस बिटिया, अब तू उसे जल्द से जल्द इस जहन्नम से दूर ले जा। अम्मी, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह इस हफ्ते पासपोर्ट मिल जाएंगे। ये तुम्हारे लिए। हमें भी अपने साथ दुबई ले चलना। आप फिक्र ना करें, एक एक करके सबको अपने पास बुला लूंगी। आमीन। हेलो, सिया। शुक्र है, पहचाना तो। कैसी बातें करती हो? और क्या, कितने दिन हो गए, लेकिन भाई कभी तक नहीं ली। क्या करूं सिया, वक्त खराब चल रहा है, बस भागा भागा फिर रहा हूं। देखो, अब हम अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, पता लिखो। कितने पैसे हैं? 145। ये लो। जी। बाबर। बाबर। कब जा रहे? इसी हफ्ते। नई जिंदगी मुबारक हो। जिंदगी तो वही साली पुरानी है, बस नए तरीके से जीने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा क्या होगा? जिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। शायद अब तुम्हारा मुलाकात ना हो, मुझे माफ कर दो।
मैंने मामू को भी मामू की बात मत करो, वो मर गए। मामू मरे नहीं है, मामू को मैंने अपने इन हाथों से मारा। सिया, मामू मेरे ख्वाबों में आते और रोते हुए कहते, बाबर बेटा मुझे मत मार, मत मार मुझे, मुझे माफ कर दो सिया, माफ कर दो, मैं खुदा हो गया था। एक बुरी खबर है भाईजान, बाबर पकड़ा गया। या अल्लाह रहम। हमें कुछ नहीं पता, पुलिस अगर उसे यहां पर ले आई तो उसका एनकाउंटर कर देगी। उसे किसी भी हालत में कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश करवाओ। अभियुक्त के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए यह अदालत जरूरी समझती है कि अभियुक्त को इनके गवर्नमेंट को सौंप दिया जाए, लेकिन इनकी पुलिस के पुराने रिकॉर्ड्स और अभियुक्त के वकील द्वारा पेश की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए अदालत यह आदेश देती है कि इनकी गवर्नमेंट लिखित तौर पर हलफनामा दे कि बाबर कुरैशी की जान की सलामती की जिम्मेदारी उसकी है, और इसके साथ ही इस बात की भी गारंटी दे कि अभियुक्त पर कानूनी तरीके से मुकदमा चला जाएगा। जस्टिस मस्ट बी प्रिवेल्ड। बाबर कुरैशी को आपने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसे पुलिस रिमांड में नहीं दिया है, क्या ये पुलिस की हार नहीं है? यहाँ कोई गेम नहीं चल रहा है जहाँ हार जीत होगी। कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। हमने सुना है कि आपने जानबूझकर कोर्ट में हलफनामा साइन किया है, क्या आप पर कोई दबाव था? मैं कोई दबाव में काम नहीं करता और ना ही किसी का झूठा एनकाउंटर करता हूँ। थैंक यू। नो, नो, नो। हद हो गई, हद। प्रदेश की पूरी सरकार एक गुंडे के सामने बेबस खड़ी है। कल वो हाई कोर्ट में पेश होने जा रहा है, वहां भी वही होगा जो कलकत्ता हाई कोर्ट में हुआ था। चलाते रहो मुकदमे, चलाते रहो। सरकार बदल गई तो सारे के सारे केस ठंडे बस्ते में पड़ जाएंगे। यू आर राइट सर, पर हम करें भी तो क्या करें? अरे एनकाउंटर करो साले का, गोली मरवाओ, ट्रक से कुचलवाओ या पत्थर बांध के गुमती में डाल दो साले को। जिंदा नहीं बचना चाहिए वरना हमारी अर्थी उठ जाएगी। सर हंगामा हो जाएगा, पूरी दिल्ली हिल जाएगी। अगर एक बार ये कुर्सी चली गई तो वापस नहीं मिलेगी। हिलती है तो हिलने दो दिल्ली, गोली मारो साले को। एक्सक्यूज मी सर। शट अप। हो गया सर। सर मैं फेक एनकाउंटर नहीं कर सकता। तो आप चाहते हैं कि एक गुंडा जिसे कब का पुलिस की गोली का शिकार हो जाना चाहिए था वो यूं ही आजाद घूमता फिरे? सर मेरा बस चले तो बाबर जैसे लोगों को पैदा होते ही गोली मार दूं। अरे तो मारते कहे नहीं ससुरे को? आप जिस तरह से कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। सर मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना चाहता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निकलो तो मरो, उगलो तो मरो। सांप छछुंदर जैसी हालत हो गई है हमारी। सर परमिशन ग्रांटेड हो तो एक आइडिया है हमारे माइंड में। तुम चुप करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। बस में तो किसी के भी नहीं है सर। एक सुझाव है सर, पसंद आए तो रख लीजिएगा और नहीं तो डस्टबिन के बॉक्स में फेंक दीजिएगा। बोलो। सर पुराना कहावत है कि पॉइजन का कटिंग पॉइजन से होता है। हिंदी में बोलो तो कुकुर का बैरी कुकुर। आप बाबर का फीता तबरेज के कर कमलों से कटवा दीजिए। गौर किया जाए सर, जग जाहिर है कि बाबर और तबरेज का
सांप और नेवले का दुश्मनी है। तबरेज एक बार बाबर को मारने का कोशिश कर चुका है, दोबारा भी तो कर सकता है। तबरेज को जेल से निकलवा दीजिए और बाबर को मरवा दीजिए। सांप भी मर जाएगा और ससुरा दिल्ली भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। ये बहुत है सिंपल सलूशन है सर, तजुर्बा है। साले के सर पे नाल टिका के मारूंगा, सारी भाप निकल जाएगी फोस। मालिक देखो मुन्ना, पुलिस बाबर का एनकाउंटर नहीं कर सकता, इस वास्ते तुम्हारे हाथ से बाबर का नकली एनकाउंटर करवाएं। ये बात सिर्फ तुम जानत हो और हम जानत हो, सीक्रेट है। इस वास्ते जब तुम बाबर को मारकर भागोगे तो हम तुमका भी लमलेट कर दे, एक तीर दो निशाना, समझा? मजाक कर रहा ना? पिस्तौल खोल के देख लो कितना दाना है। एक। आप समझा? यकीन नहीं आ रहा है ना? आ जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए बस। सब कुछ बता दिया तो आगे क्या करना है ये भी बता ही दो ना। अरे अब सब हम बताएं का है? तुम जिंदा रहना चाहते हो तो कूद जाओ गाड़ी से, चंपत हो जाओ आनंद फानन। ऐसे कैसे कूद जाएं? अरे पुलिस कस्टडी से मुजरिम भागते हुए नहीं देखेगा, फिल्में नहीं देखते हो? इसे बाहर निकालो। क्यों रोक दी गाड़ी एसपी? चल मुझे कोर्ट लेके चल, मुझे तेरा बाप भी नहीं मार सकता एसपी। डंडा हो जाएगा डंडा, कुर्सी छिन जाएगी तेरे उस बाप की। ये नाटक नाटक की बंद कर, चल मुझे कोर्ट लेके चल। सर चलना, दूर क्या रहा है? सर सर कहीं भूल गए साहब, तबरेज हुआ गाड़ी से जंपिंग करके भाग गया, हम लोग पीछे भागे लेकिन पकड़ नहीं पाए, बहुत तेज भागे थे। सर हो गए सर, अब तुम्हें क्या करता हूं? तू गया साले, हट गया यहां पर, सड़कों पे भीख मांगूंगा तुझसे। चलो चलो भीख मांगूंगा साले, भीख मांगूंगा। Hey!
जल्दी फेंक। अरे फेंको, बोल इनको। आप लोग पीछे हटो। इमा 500 ये है घोड़े की अढ़ैया चाल। साला हम पर हाथ उठाए थे ना, वो भी वर्दी में, और ढेर सारा गंदा गंदा गाली सुनाए थे, याद है? वो है दिन हम तुहार डेथ वारंट निकाल दिए थे। ये है गलती एसपी भी किया था, इसका भी इंतजाम करना था, सो एक तीर से दुई चिड़िया गिरा दिए। इससे बड़ा एनकाउंटर वर्ल्ड में नहीं हो सकत। इतने सारे पुलिस वालों के सामने तूने असली को मारा है। ससुराई दोनों ने मिलकर हमें कुत्ता बना रखा था, इसने भी और इसने भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस एसपी अवध नारायण चतुर्वेदी साहब। द्वार मुमा घी शक्कर बढ़ो साहब। ज्यादा केस दर्ज थे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बाबर कुरैशी मारा गया। बाबर कुरैशी की मौत के साथ आज जुलाई का एक बहुत बड़ा आतंक खत्म हो गया। इसका श्रेय एसएचओ श्री अवध नारायण चतुर्वेदी को जाता है, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर बाबर कुरैशी को मार गिराया। सरकार ने उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर एसपी बना दिया है। शाम को राउंड पे आते हैं। साहब दरवाजा खोलिए, हम डंडू। कौन है ससुरा? क्या है साहब? सुबह की चाय नहीं पियेंगे? चाय किसने मंगवाई बे? जुर्म कभी मरता नहीं, सिर्फ अपने चेहरे बदल लेता है। यकीनन इस दुनिया के हर एक हिस्से में कहीं ना कहीं एक अमनगंज आज भी मौजूद है। प्रदेश में गुंडागर्दी चुनावी मुद्दा बना और दूसरे माफियाओं ने सरकार बनाई। क्या कर रहे तबरेज? गेम खेल रहा था। तेरा गेम ओवर। और शपथ ग्रहण से एक दिन पहले ही तबरेज आलम का भी एनकाउंटर कर दिया गया। और मैं झंडू मुंबई के रास्ते दुबई होता हुआ आजकल पुर्तगाल में हूँ।
I'm